जेई पे फोकस करूं कि बोर्ड पे फोकस करूं। जेई संभालता हूं तो बोर्ड बिगड़ जाता है, बोर्ड संभालता हूं तो जेई बिगड़ जाता है। अगर 70% नहीं आई तो जेई देने का कोई मतलब नहीं है। क्या आप भी इतने सारे डाउट्स लेकर बैठे हो आपने दिमाग में, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, स्कूल संभालूं या जेई संभालूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तो आप लोग एकदम सही वीडियो पर आए हो। सो हेलो लवली पीपल, कैसे हो आप सब लोग, और स्वागत है आप सभी हमारे 365 वीडियोस के एक और नए एपिसोड में। तो आज की वीडियो में हम आपके यही सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं कि भैया मैं जेई संभालूं कि बोर्ड संभालूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुको भाई, हम बैठे हैं ना इधर। तो चलो भाई, सबसे पहले बच्चों का सवाल आता है कि भैया डमी स्कूल लूँ या रेगुलर स्कूल लूँ? तो देखो यार, अगर तुम जेई के लिए सीरियस हो, अगर तुम्हें अपना कुछ भी टाइम इधर से उधर नहीं देना है, तो आपको 110% डमी स्कूल लेना ही चाहिए। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहता रहे, पेरेंट्स को भाई रो रो के गा के तुम्हें जैसे बोलना हो वैसे बोलो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डमी स्कूल लेना है, क्योंकि तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए इधर से उधर। ओके, और कहीं ना कहीं स्कूल में उतनी पढ़ाई नहीं होती है। देखो यार, मतलब होती है, जेई एस्पिरेंट के लिए स्कूल इज़ नॉट अ बेटर ऑप्शन। अगर तुम सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ रहे हो तो तुम ज़रूर जाना, पर इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर जेईई तो भाई मत लेना, मत लेना, मत लेना, बार बार कह रहा हूँ मत लेना। ओके, अब हम बात करते हैं आगे के। मान लो गलती हो गई कि तुमने, मान लो ले लिया, तुमने रेगुलर स्कूल ले लिया, अब तुम्हारा जेई भी देना है, तो उसके लिए हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात, तुम लोग को जेई देना है, ये तुम्हारा पक्का है। अब तुम्हें ही मैनेज करना पड़ेगा, तुमने अपने खुद से लिया है, ठीक है, और तुम कुछ कर भी नहीं सकते अब, क्योंकि अब आ गए, अब क्या करें? तो देखो, अब उसके लिए एक तुम्हारे पास सीधा सीधा सॉल्यूशन है। देखो यार, तुम्हें कहीं ना कहीं अपना टाइम यूटिलाइज़ करना है अच्छे से, ठीक है? तो उस टाइम को यूटिलाइज सबसे बेस्ट तरीके से तुम ऐसे कर सकते हो कि तुम अपना जो जेई का है, जेई में कुछ रिवीजन ले जाओ या कुछ क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे, वो ले जाया करो। तुम स्कूल में जाके उस टाइम को यूटिलाइज़ करा करो, ठीक है? अगर कोई टीचर कुछ भी बोलता रहे, तुम अपना सबसे लास्ट बेंच पर जाके पीछे बैठ के पढ़ो भाई। मतलब कोई कुछ भी बोलता रहे तुम्हारे स्कूल में, कोई तुम्हारे दोस्त कुछ ना तुमसे कुछ ना बोले, तुम्हारे दोस्त कुछ भी बोलते रहे भाई मजे करो, स्कूल है ना, स्कूल है ना भाई। देखो भाई, तुम्हारे लिए वो 11th और 12th क्लास तुम्हारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, और अगर तुम इस क्लास में मज़े करोगे ना यार, तो भाई बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे आगे चल के। और वैसे मैं कभी सजेस्ट नहीं करता, रेगुलर स्कूल में कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, पर फिर भी अगर तुमने ले लिया है तो यार देखो, उसका सोल्यूशन पर बात करना है चाहिए ना। तो तुम लोग जाओ स्कूल में, जाके अपना टाइम यूटिलाइज़ करो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है तुम्हारा टाइम यूटिलाइज़ करना, ठीक है? जितना टाइम मिल सके तुम्हें अपना टाइम यूटिलाइज़ करना है। उस टाइम तो तुम रिवीजन कर सकते हो यार, तुम अपने मैथ्स या फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? फिर घर आके तुम अपना थोड़ा रेस्ट करके, एक आध घंटा रेस्ट करके तुम फिर से उसे कंटिन्यू कर सकते हो, नैप ले सकते हो बीच में, ठीक है? उसके बाद फिर से तुम अपना वही रिवीजन और वही सब तुम्हारे लेक्चर्स होते होंगे, 4-5 घंटे तुम लोग के लेक्चर चलते हैं, लेक्चर्स देखो, उसके बाद अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवीजन का टाइम ले सकते हो, या तो फिर तुम बैकलॉग को दे सकते हो, ठीक? और बैकलॉग के लिए भी तुम्हें प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, रिवीजन के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, तुम्हारे लेक्चर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ करना है यार। तो एकदम सीरियस तो होना पड़ेगा, क्योंकि यार तुम लोग को पता है इस साल कट ऑफ, मतलब 2 साल के अंदर अंदर कट ऑफ 2 टाइम्स बढ़ चुका है। जहां 2022 में जेई का कट ऑफ 55 जाता था एडवांस्ड का, आज वही कट ऑफ 109 गया है। तो भाई देखो, सीरियस हो जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ सीरियस हो जाओ, गलती मत करना, आगे चल के बहुत रिग्रेट होगा वरना, ठीक है? वरना फिर तुम लोग बाद में कहोगे कि भैया मेरा ये भी नहीं हो पाया बोर्ड्स की वजह से, ये भी नहीं होगा। तुम लोग पूछोगे कि क्या भैया मैं पूरा बोर्ड्स को छोड़ ही दूँ, मतलब बोर्ड्स का नहीं पढ़ूँ? तो ना भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम लोग को बताऊं, देखो सिलेबस तुम लोग का वही रहता है जो तुम्हारा सिलेबस जेई में रहता है, वही सिलेबस तुम्हारा बोर्ड्स का भी रहता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, अपने पूरे साल भर तुम्हें जेई का पढ़ना है। लास्ट के दो महीने पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स, सैम्पल पेपर्स लगा देना भाई, पूरा टाइम अपना बोर्ड्स को दे लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, जेई का तुम्हारा सही संभला रहेगा, तुम्हारा थोड़ा बहुत रिवाइज करते रह चलना, लेकिन अपने लास्ट के टाइम को सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स को दे लेना भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, लास्ट के 2 महीने अगर तुमने बोर्ड्स को दे लिए, तुम्हारे 90% से नीचे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है? और जब, लेकिन सिर्फ तब जब तुम जेई का ऑलरेडी पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तुम्हें बस लिखने का तरीका आना है। तो वो लिखने का तरीका तुम अपने आप तुम समझ जाओगे, ठीक है? जब तुम सैंपल पेपर्स लगाओगे, PYQs लगाओगे, अपने आप समझ जाओगे, तो टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए हम बैठे हैं यार, और तुम लोग को पढ़ाई करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम लोग को कुछ टिप्स और देता हूँ कि देखो भाई,
सोशल मीडिया से हटके रहो, सोशल मीडिया मत चलाओ भाई। मैं खुद इंस्टाग्राम पे तुम लोग के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट डालता हूँ, पर फिर भी मैं कहता हूँ भाई मेरा भी कंटेंट मत देखो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, मेरे फॉलोअर्स कम होंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस तुम लोग से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा सिलेक्शन है यार। अब तुम सिलेक्शन लेना तुम्हारा ज़रूरी है भाई। फॉलोअर्स से मुझे उतना वो नहीं है, ठीक है? मतलब ठीक है यार, तुम लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बैठे हो मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है? मेरे मुझे कोई ऐसे फॉलोअर्स की भूख नहीं है, ठीक है? फिर भी तुम मतलब अगर तुम मतलब फिर भी इंस्टाग्राम पर रहते हो, मतलब अगर तुम ज़्यादा टाइम नहीं देते हो तो फिर भी फॉलो कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू यार। मतलब अगर तुम्हें इंस्टाग्राम ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता तुम्हारी पढ़ाई को लेकर, तो तुम चला सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी आई वुड से इंस्टाग्राम मत चलाओ, क्योंकि भाई आजकल इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा एडिक्टिंग है। और तो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। बाकी थैंक्स अ लॉट एवरी वन फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, और लवली पीपल जो कि हम लोग से काफ़ी पहले जुड़े हुए हैं, तो उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फाइनली 15,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं यूट्यूब पर, तो थैंक्स अलॉट भाई, थैंक्स अलॉट। और हमारे 365 डेली वीडियोस के चैलेंज के 7 मंथ्स फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं, तो थैंक्स अलॉट यार, थैंक्स अलॉट। आप सभी के लव एंड सपोर्ट से हम लोग बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, और आप सभी का साथ बना रहा, तो हम लोग और भी आगे जाएंगे। बाकी आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, ओके? या तो फिर टेलीग्राम चैनल पर भी आप लिख सकते हो। बाकी और आई होप आप सभी को वीडियो इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी, और अगर वीडियो लगी हो तो भाई मेरे लिए कमेंट कर दो भाई, बस एक कमेंट चाहिए होता भाई मुझे, और कुछ नहीं चाहिए होता है आपकी तरफ से। बाकी पढ़ते रहो यार, मचाते रहो, फोड़ते रहो, और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।